दुनिया भर में महामारी बन चुका कोरोना वायरस भारत में तेजी से बढ़ रहा है। अब तक देश में करीब 310 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। इनमें से 39 मरीज विदेशी हैं। वहीं कोरोना के कारण अब तक 5 लोगों की जान भी जा चुकी है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली है। शनिवार सुबह नई दिल्ली से इंदौर आ रही ट्रेन में कोटा से 3 यात्री सवार होकर इंदौर पहुंचे हैं। इनमें एक महिला व पुरुष और एक बच्ची है। ये तीनों ब्राजील के निवासी है। रेलवे को इन यात्रियों की जानकारी पहले ही मिल गई थी, इसलिए इंदौर स्टेशन को अलर्ट कर दिया गया था। ट्रेन के इंदौर पहुंचने के पहले ही स्वास्थ्य विभाग की टीम स्टेशन पर पहुंच गई थी। इससे पहले उज्जैन स्टेशन पर इनका तापमान चेक किया गया था, जो कि सामान्य निकला। उक्त तीनों यात्री पूरी तरह सामान्य हैं, लेकिन ये विदेशी हैं, इसलिए इनके स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एहतियात के तौर पर 24 घंटे के लिए आइसोलेशन में रखा है। ऐसे सोशल मीडिया पर कई अफवाह और भ्रामक मैसेज चलाए जा रहे हैं, ऐसे में इनसे बचना जरूरी है। वहीं आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में 63, केरल में 33 जबकि दिल्ली में 25 मरीजों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो चुकी है। वहीं यूपी में भी कोरोना के 25 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। जानकारों की माने तो भारत अभी कोरोना के दूसरे चरण में है, इसलिए मरीजों की संख्या अभी कम है। देश की सरकार भी कोरोना से बचाव में किस तरह की लापरवाही नहीं रखना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू रखने की अपील की। इस दौरान रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी को अपने घरों में ही रहना है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।